हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ और ये है बीएससी आईटी का कोर्स। जैसा कि नाम से पता चलता है, बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है और ये 3 साल का कोर्स होता है। बीएससी तो और भी सेगमेंट्स में आप कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल बीएससी इन मैथमेटिक्स ले सकते हैं या और भी अलग अलग सब्जेक्ट्स में ले सकते हैं, बायो में ले सकते हैं, वो भी आपकी साइंस की ही पढ़ाई होती है। ये क्यों स्पेशल है, आज मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा। बीएससी आईटी का जो कोर्स है, कंप्यूटर का कोर्स है, सूचना तकनीक का कोर्स है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स है और इसके बाद बहुत ही बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। सबसे अच्छी बात, इसकी खासियत यही है, सीधा सीधा इट मेक्स यू जॉब रेडी। तो ये जो पर्टिकुलर कोर्स है बीएससी आईटी का कोर्स, अगर आप जॉब ओरिएंटेड हैं, अगर आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर के फील्ड में कुछ करना चाहें और अगर आप चाहते हैं कि वो करने के बाद आप अपने पांव पे खड़े भी हो जाएं, तो बीएससी आईटी बिल्कुल सही कोर्स है जो आपको करना चाहिए और जिसको करने की मैं आपको सलाह दूंगा एक करियर काउंसलर के नाते। क्यों करना चाहिए? अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको एक और चीज बता दूं कि कई बार लोग थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि मैं बीएससी आईटी कर लूं या बीसीए कर लूं, दोनों में फर्क क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दोनों ही कोर्स काफी हद तक सिमिलर है, बिल्कुल सेम नहीं है। काफी हद तक सिमिलर इसलिए है क्योंकि दोनों में ही कंप्यूटर की पढ़ाई होती है, दोनों ही 3 साल का कोर्स है और दोनों ही कोर्स को करने के बाद आपको कंप्यूटर ग्रेजुएट की डिग्री मिलती है। आप कंप्यूटर के फील्ड में स्नातक हो जाते हैं, ग्रेजुएट तो हो ही जाते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड ही पढ़ाई करनी होती है। लेकिन जहां बीसीए का कोर्स बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का है, वहीं बीएससी आईटी बैचलर ऑफ साइंस इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स है। दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो कंप्यूटर की पढ़ाई दोनों में करनी होती है और कई एक पेपर, मजे की बात यह है कि दोनों ही विषय में सेम है। बीएससी आईटी में भी वो विषय आपको पढ़ने पड़ते हैं और बीसीए में भी। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय का, तो पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय का जो बीसीए का कोर्स है और बीएससी आईटी का कोर्स है, उस दोनों में कई एक पेपर सेम है। अब जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, फॉर एग्जांपल C, C++, जावा, वीबी, ये जो पेपर है ये आपको बीसीए में भी पढ़ने हैं और बीएससी आईटी में भी पढ़ने हैं। अलग अलग सेमेस्टर का फर्क हो सकता है लेकिन दोनों में ही आपको पढ़ने हैं। इसी तरह से अगर मैं आपसे बात करूं डेटाबेस लैंग्वेज के बारे में, तो ओरेकल एंड एसक्यूएल कमांड्स, ये जो है आपको दोनों में ही पढ़ना है, बीसीए में भी पढ़ना है और बीएससी आईटी में भी पढ़ना है। तो कई बार लोगों को लगने लगता है कि दोनों बिल्कुल ही सेम है, बिल्कुल सेम तो नहीं है लेकिन काफी हद तक दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नेटवर्किंग की अगर बात करूं तो बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग आपको बीएससी आईटी में भी पढ़ना होता है और बीसीए में भी पढ़ना होता है। इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो डॉस दोनों में ही पढ़ना होता है, बीएससी आईटी के स्टूडेंट को भी पढ़ना है और बीसीए के स्टूडेंट को भी पढ़ना है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ये वो विषय है जो दोनों ही सब्जेक्ट में आपको पढ़ने हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, जिसका मैंने जिक्र करा। इसी तरह से डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड बूलियन अलजेब्रा, ये दोनों ही विषय में, दोनों ही स्ट्रीम में आपको पढ़ने पड़ेंगे, चाहे आप बीसीए ले लें या बीएससी आईटी ले लें। तो कई बार लोगों को लगता है कि कंप्यूटर की पढ़ाई है, मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ रहा हूँ, मैथमेटिक्स के वही पेपर हैं, तो लगता है दोनों सेम है। नहीं, बीएससी आईटी में इससे कहीं ज्यादा आपको कुछ कुछ पढ़ना पड़ता है। अब क्या पढ़ना पड़ता है, बीएससी आईटी में आपको इससे आगे बढ़कर के कुछ अलग पेपर्स भी पढ़ने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल डेटाबेस लैंग्वेज में आपको एसक्यूएल सर्वर का पेपर भी पढ़ना पड़ता है, ये बीएससी आईटी में आपको अलग से पढ़ना पड़ता है, ये बीसीए में नहीं है। इसी तरह से नेटवर्किंग में नेटवर्क सिक्योरिटी का जो पेपर होता है वो भी आपको विषय पढ़ना पड़ता है। नेटवर्क सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं तो बीएससी आईटी में आपको पढ़ना पड़ता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में लीनक्स की भी पढ़ाई आपको करनी पड़ती है, बीएससी आईटी में एडिशनल तरीके से पढ़ाई करनी पड़ती है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो एक और विषय है जो बीएससी आईटी में है लेकिन बीसीए में नहीं है, और वो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपको बीएससी आईटी में पढ़ना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक्स का बेस रोबोटिक्स, आईओटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बेहद जरूरी है। जिस तरह से टेलीकम्युनिकेशंस, मोबाइल टेक्नोलॉजी, एंड्रॉयड और नेटवर्किंग का जो दौर आ रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और एम्बेडेड टेक्नोलॉजी का बेस बेहद जरूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में आईओटी के माध्यम से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग सिर्फ कंप्यूटर या मोबाइल पर ही नहीं होगा, बल्कि हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होगा, चाहे वो आपके घर का दरवाजा हो, वॉशिंग मशीन हो, फ्रिज हो, बल्ब हो या पंखे हो, कुछ भी हो, आने वाले दिनों में सभी चीजें इंटरनेट से जुड़ेंगी और आईओटी की तकनीक का इस्तेमाल होगा। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्सेप्ट का होना बेहद जरूरी है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईओटी को इंटीग्रेट करके एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ऐसी दुनिया बन रही है जिससे हमारा पूरा जीवन जुड़ा हुआ है। आज मेडिकल के क्षेत्र में रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। सेल्फ ड्रिवन कार से लेकर मेडिकल इक्विपमेंट्स और हाउसहोल्ड प्रोडक्ट तक, सभी जगह आपको इसका असर देखने को मिलेगा। इसी तरीके से बीएससी आईटी में आपको सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, ये भी एक पेपर है जो बीएससी आईटी में आपको एडिशनली पढ़ना है, ये बीसीए से डिफरेंट है। तो ये जो तमाम
पेपर्स में बता रहा हूँ, ये बीएससी आईटी में आपको एक्सक्लूसिवली अलग से पढ़ने पड़ते हैं। और एक और पेपर है वो है इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग, ये भी आपको बीएससी आईटी में पढ़ना पड़ता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस रहे जो आपको बीएससी आईटी में पढ़ना है लेकिन बीसीए में नहीं पढ़ना है। जब मैं बात करता हूँ बीसीए की, तो बीसीए बेसिकली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बेस्ड है और इसका जो काम है ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड पढ़ाई कराता है बीसीए। लेकिन जब मैं बीएससी आईटी की बात करता हूँ तो ये बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इन दोनों को ही फोकस करके ये बात करता है, नेटवर्किंग पर भी फोकस करता है और ये इम्प्लीकेशन ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। बीएससी आईटी की अगर मैं बात करूं तो ये इम्प्लीमेंटेशन ओरिएंटेड कोर्स है, दोनों में ये बेसिक फर्क है। अब सिमित समूह के कॉलेजेस में आपको पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के अंतर्गत बीएससी आईटी का कोर्स कराया जाता है। कौन कर सकता है ये कोर्स? इंटरमीडिएट पास स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर कोर्स को कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि बीएससी आईटी या बीसीए दोनों में से कोई भी आप विषय लें तो मैथमेटिक्स की आपको पढ़ाई करनी होगी। तो अगर कहीं आपको लगता हो कि मुझे मैथमेटिक्स से बिल्कुल ही पीछा छोड़ा लेना है तो आप ये कोर्स मत करिए। ध्यान रहे मैं आपको मैथमेटिक्स में जीनियस होने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं केवल कह रहा हूं कि मैथमेटिक्स की आपको पढ़ाई करनी होगी तो आपको मैथमेटिक्स में कम से कम एवरेज भी होना चाहिए। आप इसको मन में हवा मत बना लीजिएगा कि सर ने मैथमेटिक्स का ही जिक्र कर लिया, आई गॉट टू बी अ जीनियस इन मैथमेटिक्स, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको थोड़ा सब पढ़ना तो पड़ेगा मैथमेटिक्स, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो अगर आपकी इच्छा है इंटरमीडिएट के बाद कि मैं बिल्कुल ही पीछा छोड़ा लूं मैथमेटिक्स से, तो बीसीए या बीएससी आईटी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दें, मैं आपको ये कोर्स करने की सलाह नहीं दूंगा। नहीं तो बीएससी आईटी का कोर्स अपने आप में बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। सिमित समूह से जिन छात्रों ने बीएससी आईटी का कोर्स किया आज वो विप्रो टीसीएस जैसी कंपनी में कार्यरत है और लगभग 6-8 लाख रुपए के पैकेज तक जा चुके हैं मात्र 3-4 साल के गैप में। हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स को, बीएससी आईटी के स्टूडेंट्स को कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू विप्रो में भी जॉब मिला है और टीसीएस जैसी कंपनी में भी जॉब मिला है और ये सारे लड़के आज वहां पे जॉब भी कर रहे हैं और अपनी इंटीग्रेटेड कोर्स के साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं, मास्टर्स डिग्री की भी कंपनी स्पॉन्सर्ड पढ़ाई कर रहे हैं। सिमित समूह से बीएससी आईटी कोर्स की पढ़ाई किए हुए छात्र आज विप्रो, टीसीएस और कई नामी कंपनियों में कार्यरत हैं। बहुत ही अच्छा मौका है अगर आप बीएससी आईटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो अगर आप सिमित समूह का हिस्सा बनना चाहते हैं और अगर आप करियर में कुछ करना चाहते हैं तो ये कोर्स है आपके लिए एक बेहतरीन कोर्स और मैं आपको सीधा रिकमेंड करता हूँ, पूरे दबाव के साथ रिकमेंड करता हूँ कि आप इस कोर्स को करें। कब? अगर आप करियर ओरिएंटेड स्टूडेंट हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका करियर बने, अगर आप चाहते हैं कि आप कंप्यूटर फील्ड में करियर बनाएं और अगर आप चाहते हैं कि मात्र 3 साल की पढ़ाई करने के बाद आप जॉब में चले जाएं, तो ये है बिल्कुल सही कोर्स। सूचना तकनीक का कोर्स है एंड दिस इज मच बेटर देन रेस्ट ऑफ द कोर्सेज। सिमित समूह के कॉलेजेस में बीएससी आईटी का कोर्स पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के तत्वावधान में कराया जाता है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय बिहार सरकार द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय है और सिमित समूह के कॉलेजेस में बीएससी आईटी का कोर्स संचालित किया जाता है। सिमित से ही क्यों करें बीएससी आईटी का कोर्स? कोर्सेज तो और भी जगह होते होंगे, क्या डिफरेंस है? तो मैं बता दूं, सिमित ने वो काम किया है जिसे बाकी के अन्य संस्थान भी फॉलो करते हैं। छात्रों की तो बात ही छोड़ दीजिए। सिमित समूह की स्थापना 2009 में की गई थी और इसका उद्घाटन बिहार राज्य के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार के कर कमलों के द्वारा हुआ था। इंसेप्शन के साथ ही, शुरुआत के साथ ही हमने इस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया था कि हमें स्टूडेंट्स को जॉब रेडी बनाना है, जॉब वर्दी बनाना है, स्किलफुल बनाना है, केवल डिग्री के लिए हमें बच्चों को तैयार नहीं करना था। और यही वजह थी कि हमने सबसे पहले किसी भी कोर्स को इम्प्लीमेंट करने से पहले हमने कॉर्पोरेट हाउसेस से बात की, हमने उनकी रिक्वायरमेंट को स्टडी किया कि 3 साल बाद आपको लोगों में, छात्रों में कौन सा स्किल चाहिए। और हमने क्या किया कि विश्वविद्यालय कोर्स के साथ इन सारी चीजों को, जिसकी इंडस्ट्री को जरूरत है, उन कोर्सेज को हमने एड ऑन कोर्स के रूप में छात्रों को कराना शुरू कर दिया। तो हमारे बीएससी आईटी के स्टूडेंट्स को हम लोग कॉलेज में कोर्स के साथ ही एमसीए एंट्रेंस की प्रिपरेटरी क्लासेस भी कराते हैं। इससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा ये होता है कि 3 साल के बाद अगर आप किसी राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में एमसीए वगैरह के कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एमसीए प्रिपरेटरी की क्लासेस अच्छी होती है, आप उसको क्वालिफाई कर सकते हैं और राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में नामांकन ले सकते हैं, जैसे हमारे दर्जनों बच्चों ने लिया है।
BSCIT के साथ ही हम लोग अपने स्टूडेंट्स को एड ऑन कोर्स के रूप में एडवांस वेब डेवलपमेंट पैकेज का भी कोर्स कराते हैं। एडवांस वेब डेवलपमेंट पैकेज में हम लोग Dreamweaver, CSS, JavaScript, PHP, ASP.NET, JSP, MySQL, SQL Server, Photoshop, Joomla, WordPress और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जैसे चीजों को कराते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि अपने आप में ये कितना बेहतरीन पैकेज बन जाता है छात्रों को जॉब के लिए। और इसके साथ ही हम लोग BSCIT के साथ एड ऑन कोर्स के रूप में यूनिवर्सिटी कोर्स के साथ साथ उसके अलावा जो एडिशनल हम बच्चों को कराते हैं एडवांस जावा पैकेज का भी कोर्स कराते हैं। इस एडवांस जावा पैकेज कोर्स में जावा बीन्स, कोरबा, जावा सर्वलेट और सॉकेट प्रोग्रामिंग का भी कोर्स हम बच्चों को कराते हैं कोर्स के साथ ही। और इसके साथ साथ अपने स्टूडेंट्स को कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग में एक्सपर्ट बनाने के लिए हम उन्हें एडिशनली कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्क की ट्रेनिंग भी दिलवाते हैं। और इसके साथ साथ हम अपने स्टूडेंट्स को MCSC यानी माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर का कोर्स भी करवाते हैं और साथ साथ सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट का कोर्स भी कराते हैं। अब ये जो पूरा पैकेज है ये छात्रों को बेहतर बनाता है और काफी बेहतर बनाता है और यही वो डिफरेंस क्रिएट करता है कि सिमेज के छात्र अन्य संस्थाओं से बहुत आगे हैं, अन्य संस्थाओं के छात्रों से बहुत आगे हैं। जहां बाकी लोग जॉब के लिए सोचते हैं कि मैंने कोर्स पूरा कर लिया, मुझे जॉब कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कोर्स पूरा किए इतने साल हो गए, हमारे स्टूडेंट्स को फाइनल ईयर में आते आते हाथ में जॉब ऑफर होता है। इससे पहले कि उन्हें कोर्स की डिग्री मिले उनके हाथ में जॉब ऑफर लेटर होता है और ये केवल सिमेज में होता है। पूरी पढ़ाई के दौरान सिमेज कॉलेज में BSCIT स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग तरह के वर्कशॉप्स भी कराए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोबोटिक्स का वर्कशॉप कराया जाता है जिसमें छात्र रोबोटिक्स की बातों को गहराई से सीखते हैं। लिनक्स एंड ओपन ऑफिस का वर्कशॉप होता है, एथिकल हैकिंग का वर्कशॉप होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में स्टूडेंट्स को बताया जाता है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट्स की पढ़ाई होती है ताकि छात्र उसको एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप कर सकें। जिस मोबाइल पर शायद आप अगर एंड्रॉयड मोबाइल अगर आप यूज कर रहे हैं, क्योंकि मेजॉरिटी बहुत ज्यादा लोग हैं जो एंड्रॉयड मोबाइल फोन यूज करते हैं, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम भी लोग यूज करते हैं, लेकिन अगर आप एक एंड्रॉयड मोबाइल यूज कर रहे हैं तो बहुत संभव है कि आपको कोई एप्लीकेशन हमारे स्टूडेंट का बनाया हुआ भी मिल जाए। इसके साथ साथ एडवांस एक्सेल एवं पावर पॉइंट की पढ़ाई भी स्टूडेंट्स को कराई जाती है। पूरी पढ़ाई के दौरान छात्रों को सॉफ्टवेयर एवं वेब डेवलपमेंट के अलग अलग पैकेजेस के कोर्स कराए जाते हैं। पढ़ाई के दौरान ही छात्र वेबसाइट को डेवलप करना सीखते हैं, पढ़ाई के दौरान ही छात्र अलग अलग तरह के प्रोग्रामिंग की चीजों को बनाते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, वेबसाइट्स डेवलपमेंट की बात करते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, असाइनमेंट बनाते हैं। कुल मिला के हमारी कोशिश होती है कि पढ़ाई के दौरान ही आप एक स्टूडेंट बन के ना निकले, आप एक वेल वर्स्ड एक्सपीरियंस्ड पर्सन बन करके निकले, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस को इसी की तो जरूरत होती है और यही खास बात है सिमेज के छात्रों की और यही खास बात है सिमेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की। तो अगर आपको इस कोर्स के बारे में और कोई डिटेल चाहिए तो आप इन दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे करियर काउंसलर एक्सपर्ट्स आपको तमाम तरह की मदद करेंगे। अप्लाई नाउ सिमेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, बोरिंग रोड, पटना। कॉल 9835024444, 7250767676। थैंक यू।